हेलो हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, बिकॉज रमज़ान व्लॉग्स तो चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर रमज़ान व्लॉग में ग्लॉसी टॉक निकाली थी, मैंने सोचा कि इस साल कुछ और करते हैं. एकदम से एक आइडिया आया एंड सो आई थॉट दैट आई विल रिएक्ट टू माई फर्स्ट एवर व्लॉग दैट आई हैव एवर मेड, जो कि इस चैनल पर नहीं था बाय द वे. इट वॉज ऑन माई मेन चैनल ग्लॉसिप्स. सो this is a reaction video. I'm doing this. All right, so we're going to start this right now. सबसे पहले तो I'm going to go on to YouTube, and YouTube पे जाते ही I know what it was called. My first vlog ever, Glossips. And then I will see. Okay, so this was my first ever vlog that I made. So let's start watching this now. Wait, let's go back. एक सेकेंड. पहली चीज ये, didn't I think about the fact कि पीछे एक YouTube videos का वो लगा हुआ है और मैंने सामने से अलार्म बजा दिया. Actually, I think that's a real life situation, considering मैं तब भी सोई तो होंगी नहीं, because me and my family, we are cursed with no sleep whatsoever, ever, literally. So I think it was that. Now let's play and see what I'm getting myself into. एक सेकेंड, वॉज आई नॉट वरीड अबाउट एनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बैक देन? मैं इतनी ज्यादा सख्त लॉन्डी बन के जी रही थी. वट इज दिस मैन? बट यार, ये भेरिया के सारे व्यूज. आई यूज टू लव दिस प्लेस. आई लिटरली यूज टू लव इट. ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ मॉर्निंग फॉर मी. नाउ इफ इट्स एनीथिंग दैट वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग, इट इज म्यूजिक. फॉर अ फैक्ट, इफ देयर वाज नो म्यूजिक, आई डोंट थिंक आई कुड हैव एवर 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 गॉन टू स्कूल or university or college, because I couldn't have been able to wake up. I need to get ready. Oh my god, Tim is bad right now. He's serious watching. Okay, pause. So this is something that has been constant. Sahi hai? वो बंदी सही बोल रही है. इवन इफ इट्स फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स अगो, शी इज राइट. आई कैन नॉट वेक अप बिफोर विद आई कैन नॉट वेक अप विदाउट म्यूजिक. दैट्स अ कॉन्स्टेंट. ठीक है. एंड द स्किन वॉज अ बिट बैड. वैसे आई हैव टू एडमिट दैट. सो लाहौर डज नॉट लाइक माई स्किन सिंस लाहौर टाइम्स. सो आई एम एक्चुअली आउट. लाइक आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड एवरी थिंग, आई लुक रेड एज एनी थिंग लाइक अ टोमेटो. एंड I think I need to pick out some clothes for me to wear, which is a very, very difficult job for me every day to do. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? I clearly was not scared of any copyright strikes. मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. Not a single fuck in the world did I give for putting copyrighted music over here. But anyway, चलो, I guess पहला vlog था तो इतनी माफ़ी तो मिल ही जाएगी. But the another thing that is still constant is that कि मैं अभी भी till date, it's very hard for me to go and take out something that I want to wear. ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल task है. So I don't think something really changed इतने सारे time में. Nothing from here. Let's just hit this road. Probably something from here. I used to love this cupboard. Something. I need something to wear. So we have decided on what we're wearing. Pretty simple. She's wearing that. That. I mean, even back there in Lahore in BNU, she is wearing that. I mean, I like her. I do. Yes. Oh my god. Oh my god, I have like two really cute birds. Boss, I'm so sorry, but I just had a small little view of the wall पीछे. मुझे इतनी जोर का nostalgia हुआ है कि जैसे मैं इस घर में आई थी, मैंने सबसे पहली चीज ये wall बनाई थी. So all of my friends, all of those memories that ever meant anything to me, they were printed out in pictures and then put up on this wall. मैंने इसकी dimensions ली थी ताकि सारी pictures fit आ सकें, और वो सारा situation हुआ था.
इसको देख के मुझे कुछ हो रहा है. बीच में बहुत बड़ा सा एक लाइफ भी लिखा हुआ था. आई थिंक आई माइट स्टिल हैव ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स समवेयर. हो सकता है इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊं, बिकॉज दिस व्लॉग इज एक्चुअली प्रीटी शॉर्ट. सो मे बी वी हैव टाइम टू डू दैट. लेट्स सी, लेट्स प्ले दिस वन राइट नाउ. ओके, सो इट्स टाइम टू एक्चुअली फिक्स अप दिस होल सिचुएशन एंड गेट रेडी. ओके, व्हाट, देयर इज नो लाइट? देयर वाज नेवर एनी लाइट, ब्रो. Fair and lovely. Fair and lovely, oh my god. ये इतनी पुरानी बात है. हाय अल्लाह. Yeah, so there was a time when I used to use Fair and Lovely as a sunscreen. Oh my god. कहाँ जाऊँ मैं? Why did I choose this vlog? Some things are better not shown, you know. Sorry. अच्छा, so the mascara, the eyebrow routine and then the lipstick, अगर ये अभी भी वही करती है. Oh yes, this is what she did. She still does the same. I like it. मैंने अभी भी बिल्कुल same lipstick shade लगाया है, by the way. Okay, so she is done. एक second better. Yeah, एक second. That hair? कहाँ गए भाई? मेरे ही है ना ये, थे मेरे ना. कहाँ गए भाई? Where did they go? I cannot see them anywhere. What is what? इसकी दोनों मुट्ठियों में बाल है भरे हुए. I can't even hold them in like, मुझे तो दुख हो गया है मुझे ये वीडियो देख के. और इतने लंबे, थिक तो चलो सही है, बट लाइक इतने लंबे. Oh my god, I'm so jealous. I'm sorry, but this is how I am. Why should I apologize? वैसे this is how I still am, by the way. कोई फर्क नहीं है, ठीक है. बस इसमें बहुत ही ज्यादा ओवर enthusiastic हुई हूँ फॉर द डे और समथिंग. आई रियली डोंट नो. अभी भी ऐसे दिन एग्जिस्ट करते हैं, by the way. ऐसा होता है. बस मैं व्लॉग्स में इतनी ज्यादा अनकॉपीराइटेड चीज़ें ला नहीं रही होती, वरना फिर यू गाइज वुड सी मी गोइंग नट्स लाइक दिस ऑल द टाइम. बट हाँ, ये मेरी स्टोरीज पे ज़रूर होता है. आई लूज माई सेल्फ ऑन माई स्टोरीज लाइक दिस. इंस्टाग्राम स्टोरीज, वेयर इफ यू नॉट एडेड मी, आई थिंक यू शुड. इट्स इंस्टाग्राम एट ग्लॉसिप्स. लेट्स प्ले दिस थिंग वंस अगेन. दैट इज हाउ वी लुक व्हेन वी आर ड्रेस्ड अप नाउ. सो आई एम गोना गेट टायर्ड ऑफ माय हेयर प्रीटी सून एंड आई टाई देम बैक अप सूनर देन यू थिंक. So there is one thing that I have noticed. I've not really changed a lot. I haven't. मतलब हो सकता है appearance wise I have changed. वो तो I definitely have. I look way more mature now. I talk a lot better now. I do. Tell yourself you do. सही है. इससे तो बहुत बेहतर हूँ, चाहे कुछ भी है. सही है. बीच में आ जाती हूँ कि cool नहीं हूँ मैं. I understand that. लेकिन फिर भी इससे तो मैं बहुत बेहतर हो चुकी हूँ अभी भी. थैंक गॉड यू गाइज डोंट हैव टू डील विद दिस वन एनी मोर. दिस वन वॉज अ कम्प्लीट ब्रैट. शी वॉज अ कम्प्लीट ब्रैट. आई एम सो मच बेटर देन हर, आई कैन से दैट. ऑल्दो ये भी बेचारी इतनी बुरी नहीं थी, बट या लेकिन वो बालों को देख के जो मुझे अभी हो रहा है ना, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब. लेट्स प्ले. अभी भी बाल दिखा रही है. जेलस कर रही हो तुम सबको. जेलस. आई एम जेलस. Okay, so look at the weather, you guys. It's so good. It looks good. Oh my god, I'm so glad that this weather is back again. Oh my god. Woohoo! So here's what I've been eating for keeping my skin healthy. But this is generally just for university. This is lunch, basically. Okay, boys. This is not something that I would ever eat for my skin, regardless of how much I love it.
दिस इज मी ईटिंग हेल्दी टू ईट हेल्दी. मुझे याद है यूनिवर्सिटी के जो मेरे डेज हुआ करते थे उसमें 3 महीने ऐसे थे जब मैंने इस तरह का खाना खाया था रोज. इवन यूनिवर्सिटी में मैं यही वाला खाना लेके जाती थी, लाइक बॉयल्ड एग्स, ब्राउन ब्रेड, कॉर्न खा लिया अगर कुछ बहुत भूख लग रही है और समथिंग लाइक दैट. एंड 3 महीने में आई लॉस्ट सो मच वेट. मतलब आई थिंक आई वॉज द स्किनीएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ जब ये वाला टाइम था. लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी उस स्किनीनेस की. आई हैड जस्ट स्टार्टेड लाइक कोई 1.5 महीना पहले इस टाइम पे. इमेजिन जस्ट बाई ईटिंग क्लीन. वैसे देर वॉज अ लॉट ऑफ वॉक एज वेल बिकॉज यूनिवर्सिटी एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच आई लैक नाउ. वो नहीं है बट चलो लेट्स सी दिस नाउ. लेट्स प्रेस प्ले. नॉट अच्छा ये मेरा लंच बॉक्स था. आई एम गोना पैक दिस अप एंड पुट दिस इन दैट बैग राइट देयर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू ईटिंग इज दैट. आई क्लियरली डिड नॉट नो हाउ टू व्लॉग बैक देन. लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स और वीडियोज बहुत अच्छी बना लिया करती थी. व्लॉग्स आई वॉज नॉट अ प्रो एट. मैं अभी भी नहीं हूँ. आई वेरी यू नो लाइक ओपनली अग्री टू दैट. लेकिन जो ये फ्रूट एंड फाइबर था ये मेरा आज तक का मोस्ट फेवरेट सीरियल है विच आई डू नॉट फाइंड एनी वेयर. यहाँ पे भेरिया टाउन लाहौर में एक मार्केट थी ईजी मार्ट के नाम से. देर वॉज अ सुपर स्टोर. वहाँ से मिल जाता था वो भी कभी कभी. उसके बाद वहाँ से शॉर्ट हो गया. फिर एक और फैंसी मार्केट पे जाना पड़ता था. देर वॉज अनदर स्टोर अल्फते. वहाँ से कभी कभी मिल जाता था बट उसके अलावा नहीं मिलता था. एंड द ओनली सीरियल आई एवर यूज टू लव was fruit and fiber. Abhi tak this is the only cereal that I am in love with. Let's play. And we're here guys. We and you. Okay so yahan pe I'll tell you guys something. I'm not sure if you guys already know because ho sakta hai aapme se kuch yahan pe naye followers bhi aaye hue. So this was my university. This right here, Beacon House National University. Beacon House National University was my university. और मैंने यहाँ से डिज़ाइन में बैचलर्स किया है. माई मेजर वॉज फैशन. सो डिग्री से आई एम अ फैशन डिज़ाइनर जो कि मैंने यहाँ से पढ़ा है सारा. एंड दिस वॉज इन लाहौर. दिस वॉज द तारोगिल कैंपस. इसको देखते ही मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है ना. वो सारी सुबहें, वो सारे इवेंट्स, वो सारी रातें जो यहाँ पर बैठ के गुजारी हैं, यू नो लाइक इट्स क्रेजी. थीसिस के टाइम पे लिटरली शाम के 8-9, शाम क्या रात हो जाती थी, रात के 8 या 9 बजे तक हम यहाँ बैठे होते थे. जो ये पूरी बालकनी साइड नजर आ रही है ना, दैट अदर साइड, उधर उन्हीं सीढ़ियों में बैठे हुए होते थे. वी यूज टू बी टॉकिंग, वी यूज टू बी ईटिंग स्टफ, बस अपने काम निपटा रहे होते थे एंड स्टफ लाइक दैट. दिस लाइफ वॉज क्रेजी. लेट्स प्ले. In the university. My God, such nostalgia, yaar. Good days. It's such an amazing weather today. I can see the good weather, by the way. Oh my God. Okay, so. ये 4 फ्लोर लंबी बिल्डिंग थी लिटरली. और इसमें जो 3rd फ्लोर था वो फैशन स्टूडेंट्स का था. मगर वन ऑफ आर बेस्ट फ्रेंड्स यूज टू बी ऑन द 4th फ्लोर. तो अब रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सिचुएशन वाज, हमें लिटरली 4th फ्लोर पे जाके उसको मिलना पड़ता था. बिकॉज ऑफकोर्स मिलना पड़ता था उस टाइम पे. तो ये 4 फ्लोर फिर भी चढ़े जाते थे. अगर अब चढ़ने पड़ जाए ना तो लिटरली हालत टाइट हो जाए. क्योंकि अब तो फुस हो चुकी हूँ मैं. सो आई कॉन्ट रियली डू दैट एनी मोर. लेकिन यार इसको देख के इतनी मेमरीज आ रही है ना. एक एक स्पॉट पे, एक एक जगह पे देर इज अ मेमरी दैट आई कैन रिकॉल. एवरी इमेज दैट आई एवर टुक हियर, एवरी पिक्चर दैट आई टुक हियर, एवरी आउटफिट आई वोर, एवरी थिंग आई डिड. उफ, क्रेजी टाइम्स. दोज़ आर अ फ्यू आर्टवर्क्स डन. दैट्स माहिरा. सो दीज़ वर द असेंबलेजेस. या इसके पीछे भी काफी एक स्टोरी है. व्हाट आई हैव अ स्पेशल वन राइट देयर. इसका सीन ये है कि यूनिवर्सिटी में रोज 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 हर क्लास में देर यूज टू बी अ DIY प्रोजेक्ट जो हमें करना होता था प्रैक्टिकल क्लासेस में. थियोरी कोर्सेज अलग होते थे, प्रैक्टिकल कोर्सेज अलग होते थे. सो दीज वर द प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड जिसके अंदर रोज कोई ना कोई नई चीज हमें करनी होती थी. कैन यू सी दैट लोटा वाली चीज एट द बैक. ये भी कोई किसी का आर्ट वर्क था जिसमें किसी ने कोई ना कोई स्टोरी डाली हुई होगी जो मुझे अब नहीं याद.
सो दिस वॉज दिस. मुझे याद है कि ये असेंबलाजेस बनाने थे. सो एक कोलाज ये होता है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस को जोड़ के बहुत सारी इमेजेस का कोलाज बना लेते हो, जिस तरह मेरी वॉल पे बना हुआ था लाहौर वाली कमरे में. दैट वॉज अ कोलाज. ठीक है, अ कोलाज ऑफ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. एक असेंबलाज ये होता है कि एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर आप बनाते हो और बहुत अलग अलग किस्म के मटीरियल्स को जोड़ के आप एक इमेज बनाते हो. बेसिकली दीज असेंबलाजेस हैव लाइक अ वाइटल रोल इन मेकिंग मी लूज माई वेट. यू नो वाई? बिकॉज सीन ये था कि जब ये असेंबलाजेस जमीन पर बैठ बैठ के बनानी पड़ती थी ना, तो मुझे शैटिका अटैक निकल आया लिटरली. क्योंकि ये जमीन पर रखना होता था बोर्ड को और आप बम ऑन द फ्लोर पूरा इस तरह से झुक के काम किए जा रहे हो. सो लाइक यू नो योर बम इज नॉट मूविंग बट योर कमर इज मूविंग कॉन्स्टेंटली. सो दैट एंडेड अप कॉजिंग लाइक एन एंटायर शैटिका अटैक. ओ माई गॉड, 6 महीने के लिए आई कुड नॉट वॉक, आई कुड नॉट लाई डाउन, आई कुड नॉट सिट. मैं दीवारों से लग लग के शैटिका के लिए एक्सरसाइजेस कर रही होती थी, चीजें कर रही होती थी. एंड उस टाइम पे आई वॉज हैवियर देन वॉट आई एम ओवर हियर. ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स. वो 6 महीने जो मैं चल नहीं सकी, जो 6 महीने मैं उठ नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, सबने मुझे कहा वेट गेन की वजह से ये हुआ है, वेट गेन की वजह से ये हुआ है. तो जैसे ही वापस थोड़ी सी मैं सही होने लगी, मैंने पहली चीज़ ये की कि आई विल लूज माई वेट, बिकॉज आई फेल्ट लाइक इवन बींग एबल टू वॉक, चलना वॉज लाइक अ ब्लेसिंग, जो उस वक्त मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था. आई कुडंट वॉक, आई जस्ट कुडंट वॉक. मेरी जो घुटने के पीछे वाली जगह है उसमें खिंच पड़ती थी, और ऐसी खिंच पड़ती थी कि वो मेरी बैकबोन तक जाती थी. एंड दैट जस्ट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू कर्व माई सेल्फ अप राइट देयर, कर्ल माई सेल्फ अप इन द मिडल ऑफ द रोड. इवन कितनी दफ़ा हम लोग कैफेटेरिया जाते जाते वहीं पर मैं बैठ जाती थी और मैं रोना शुरू कर देती थी. एंड आई यूज टू टेल माई फ्रेंड्स टू जस्ट मूव अलॉन्ग, कीप गोइंग, आई विल कैच देम व्हेन आई एम बेटर. इस तरह के सिचुएशंस थे. ओफ, एवरी काइंड ऑफ मेमोरी ब्रो, एवरी काइंड ऑफ मेमोरीज. लेट्स प्ले दिस नाउ. टू ऑल द गर्ल्स हु आर फैन, आई थिंक मैं इस व्लॉग में बहुत मेमोरीज बताऊंगी. हाउ कूल इज दैट? दैट वाज आवर फैशन क्लास, मेकिंग अ पर्ल सोइंग क्लास. सो टुडे वी आर ऑल एट वर्क, टुडे वी आर मेकिंग बेल बॉटम. मुर्तजा, फाइनली बैक होम. बूबू कितनी छोटी सी बेबी है यार. ओ माय गॉड, मैं नहीं चेंज हुई ज्यादा, ये कितनी चेंज हुई है. छोटी सी बेबी है यार यहाँ पे तो. ये माय गॉड, ये इतनी छोटी भी थी एक टाइम पे. उफ, इतनी बड़ी हो गई है अब. बट यस, चलो लेट्स प्ले. एंड दे आर हैविंग फूड, सो इज बूबू एंड सो इज ताऊ. मैं बस ऐसे डॉक्टर उस टाइम पे. आई एम बोर्ड. I'm bored. I'm bored. I'm Anna from Inventing Anna. I'm bored. Let's do something else. I'm bored. Why am I talking like that? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें, सही से बात करो. I'm bored. Cool नहीं हो तुम, याद रखो तुम cool नहीं हो. इतनी cool नहीं बनो. इस टाइम पे मैं cool थी, यही तो मसला है. That's why ऐसे मैं अब cool नहीं हूँ. Cool नहीं हूँ मैं. Play. Alrighty. Hey 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 guys. Now with this video ends today's vlog shooting session, you know. So if you guys liked it and you guys want me to shoot more videos like this, do let me know, as I'm in for all sorts of suggestions. So keep watching and I hope you have a nice day. Bye bye. ओके, तो मैंने सोचा कि आज रमजान रूटीन से हटके एक थोड़ी सी डिफरेंट सी वीडियो बना लेती हूँ, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम. सही है, मैं भी रूटीन दिखा दिखा के वही वाला सेम थोड़ा सा बोर हो रही थी. सो दिस वाज लाइक समथिंग डिफरेंट दैट आई डिड. बट डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक मोर ऑफ दीज, और इफ यू जस्ट वांट मी टू कंटिन्यू व्लॉगिंग और whatever I like, whatever you guys like, मुझे comments में बताओ. And another thing, अगर कोई और ऐसी वीडियो है ना that you want me to react on, do let me know, because I think my reactions are fun, because if there's one thing I've ever done in my life is commented on every single thing happening and every single thing that I see. And everybody hates that about me. They just do. But I think I got that from Doctor, because that's what he used to do as well. Literally. Unke saath koi bhi movie dekhna was so difficult, because he'd always keep asking, kya hoga? Ab ye mar jayegi na? Nahi, abhi hoga na? Nahi, nahi, abhi ye kood jayegi na? And I'm just like, can you please watch? Can you please watch? And he would notice every single thing, like, oh, iski aankhon ka jo color hai na, wo ye hai. Did you see iske baal mahogany color ke? And I'm like, what color is mahogany? Even back then, I didn't even know what mahogany was. But this is just an example of how, you know, I got this trait in me. So do let me know what you want to see next. And I hope that
you guys had fun watching this one. If you did, don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next vlog.